अर्जुन मेरा सवाल आपसे है जी, हमारे देश की जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है इसी क्या, के क्या कल्चर है सर? शादी से पहले नहीं होना चाहिए जी। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि शादी से पहले या शादी के बाद मल्टीपल पार्टनर्स हो या हम ओपन कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की आइडेंटिटी यही है, एक आदमी एक वुमेन, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार करते हैं। ये आइडेंटिटी किसने बनाई? शाहरुख खान ने। और हमारे देश की कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आइडेंटिटी तो नहीं है? सदियों से हम यही देखते आ रहे हैं हमारे देश में। सर आप सदिया बोल रहे, फिर आप शाहरुख सर बोल रहे। शाहरुख सर तो नहीं, वो आगे प्रमोट कर रहे हैं सर उनको। नहीं ऐसा मैं नहीं मानता, शाहरुख सर ऐसा कुछ प्रमोट नहीं, तो नहीं आप मानते हैं मल्टीपल पार्टनर्स होना अच्छी बात है? मेरा सवाल सिंपल है। आपने जो सवाल पूछा है वो आपने बहुत लंबा पूछ लिया। पहली बात तो आपने कहा बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज। देखिए एक इंसान की एक जिंदगी जो होती है उसमें कई चढ़ाव आते हैं, कई पढ़ाव आते हैं। यू मीट लॉट्स ऑफ पीपल, यू एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप्स। व्हेन यू डिसाइड टू गेट मैरिड इट इज अ बिगर डील देन परहैप्स नॉट बीइंग मैरिड। Being in a relationship is a bigger deal, but not as big as marriage. There are processes to reaching that stage. Before that, if you are curious, you want to discover life, आप उस पहले इंसान से मिलके ये नहीं decide कर सकते इसी से शादी होगी। कैसे पता वो सही हो आपके लिए गलत हो? इस तरह नहीं कि किस तरह का इंसान है, कि आपकी ट्यूनिंग है या नहीं। उसमें प्यार हो, शायद थोड़ा प्यार कम हो, आपको लगता है प्यार ज्यादा हो। आप 19 साल 18 20 साल की उम्र में क्या जानते हो प्यार के बारे में? कई बार आपको लगता है ये आशिकी है, वो शिद्दत वाली मोहब्बत है। फिर पता लगता है नहीं यार हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, या फिर ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे बिकॉज इसमें सर्टेन चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही। दैट्स अलाउड? व्हाई इज दैट नॉट अलाउड? इट इज सी व्हेन यू आप जब ऐसे सवाल करोगे कि मल्टीपल पार्टनर्स, ये कोई वीडियो गेम तो नहीं है, तो सवाल बदलना पड़ेगा। जवाब तो बहुत लॉजिकल है। जी 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 जी, पहले मैं बहुत मोटा बहुत परेशान था। Yeah, aap, I think so you are above 100. At that particular point of time, it was 140 kg. Yeah, to apne kabhi, you know, aapne bhi khulkar baat ki thi us waqt? Yeah, you were also, you know, facing ki abhi main kis tarah se baat karu? Yeah, you wanted to come into films, lekin, you know, thoda, because of the weight, sharma rahe the. Ye bhi ek bahut bada problem hai hamare kahin na kahin culture mein, kya hai na, wo hum log aake bol dete, are yaar, thoda mota ho gaya, aur phir chale jayenge. Suddenly bolenge, हेल्दी हो गया ना थोड़ा सा, और फिर तो वो आप यू डोंट रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स यू आज भी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम ओवर इट, बिकॉज इन माय हेड आई एम स्टिल एन ओवरवेट पर्सन। आज भी अगर कोई मुझे कह देता है कि यार अरे यू पुट ऑन लिटिल वेट, वो मुझे बहुत अफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन है वो एक तरफ है, लेकिन मेरी मानसिक संतुलन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज मैं शायद 12-14 साल की उम्र से ये डील कर रहा हूँ। आई पुट ऑन वेट व्हेन माय पेरेंट्स स्प्लिट अप, and that is something I've spoken very openly about. I started eating as an emotional vacuum. अब ये चीज़ आज मैं बोल सकता हूँ आपके सामने, because मुझे लगता है लोग समझ पाएंगे। शायद 20 साल पहले यहाँ के बोलता तो कोई समझ नहीं पाता। तभी उस समय thankfully I was very happy eating and I was very happy being in my own bubble. My health suffered. I had asthma because of that. I couldn't take care of myself. I recovered from that and I decided I want to pursue a profession, so I lost weight. A lot of people don't get that motivation that their profession makes them lose weight. You know, you still end up working 9 to 5. आपको वो motivation नहीं मिलती। I did suffer, but मेरे profession के वजह से जो मेरी चाहत थी, I pushed myself. I suffered a lot, definitely. I keep saying this. You have family members, you have friends around, but eventually they can only understand and do so much. You have to get up and do something. Where obesity is concerned, I always say this: people can only support you; they cannot do anything for you. It is a taboo subject in our country also, because a lot of women are told if you look this way, nobody will marry you. Yeah. But unfortunately, not enough men get told that. They should. If that is the case, then it should be equal. But I do believe this, and I really, really say this from the bottom of my heart.